तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुर्तजा मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एटीएस ने सहारनपुर से एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक के सोशल मीडिया और फोन को खंगाल रही है एटीएस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्तजा मामले से जुड़ी यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सहारनपुर से एटीएस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। आरोपी को लखनऊ लाया गया है, ऐसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। तो मुर्तजा से अपने हिसाब से पूछताछ करेगी एटीएस, विवेचना की एक एक कड़ी जोड़कर पर्दाफाश करेंगे, प्रशांत कुमार का ऐसा कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का यह बयान सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा को एटीएस लखनऊ लेकर आ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, मुर्तजा को लाया गया है लखनऊ, हालांकि पूछताछ तो उससे चल रही पहले से ही, क्या कुछ निकल कर सामने आया है सर, कोई नई जानकारी जो आप शेयर करना चाहें? अभी तो केवल यही बताना है कि अभियुक्त यहाँ लखनऊ लाया जा चुका है और अब एटीएस अपने हिसाब से इससे पूछताछ करेगी और जो हमारे पास पूर्व में सूचनाएं हैं हम उससे वेरिफिकेशन करेंगे, या जो हमारे पास अपनी इन्फॉर्मेशंस की एक भारी मात्रा में सूचनाएं हम लोग इस तरह की गतिविधियों की रखते हैं तो हम उससे मैच करेंगे और आगे की विवेचना इसमें करेंगे तथा पूरे एक एक इस विवेचना की कड़ी को जोड़ के पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। सर, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली नोएडा में छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को एटीएस ने आज भी उठाया है सर, उनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है। अभी तो एटीएस ने विवेचना ली है, हो सकता है किसी अन्य प्रकरण में किसी अन्य कारणों से चीज़ों की वेरीफाई किया जा रहा हो, लेकिन हरेक दबिश को हरेक पूछताछ को इस केस से जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि इस चीज़ों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जो कि एक ऐसे संस्थान में की गई जहां पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी रहती है, किन परिस्थितियों में किया गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या किस तरह के परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है, इसका हम अवश्य पर्दाफाश जल्द से जल्द करेंगे। तरह की चीज़ें कोई सर आधिकारिक तौर पे शेयर नहीं की गई हैं और अगर कोई बात होगी तो हम अवश्य शेयर करेंगे। जैसे हमने धर्मांतरण के रैकेट में जब इकोनॉमिक ट्रेल इस्टेब्लिश किया था तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, तो मैं अपील करूँगा कि धैर्य रखें, ये संवेदनशील मुद्दा है और हम समय आने पर सभी चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे। ये तो गहन विवेचना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर इसमें कोई शामिल है तो हम उन लोगों को भी अपने गिरफ्त में लेंगे। बिल्कुल, तो मुर्तजा लखनऊ लाया जा चुका है, एटीएस मुख्यालय में उससे लगातार पूछताछ हो रही है और जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि सब चीज़ें अभी विवेचना में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्कुलेशन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।